नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको डेंटल एब्सेस के बारे में बताने वाला हूं। डेंटल एब्सेस क्या होता है, किस कारण से होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, क्या डेंटल एब्सेस एक प्रकार का इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी जिसको हम बोल सकते हैं, और यदि आपने समय पर डेंटल एब्सेस का ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ध्यान रखें दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आप सभी के लिए, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ये कंप्लेन लेके आते हैं कि सर, मेरे दांतों के पास जहाँ पे जड़ लगती है, जहाँ पे जड़ होती है वहाँ से, या फिर मसूड़ों से पस निकलती रहती है, कभी कभी दर्द होता है वहाँ पे, एक फुंसी जैसे बन जाती है और उसके बाद उससे पस निकलती है, वो अपने आप फूट जाती है, बनती है, फूट जाती है, तो इस कारण से उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है, सूजन होता है, दर्द भी हो सकता है। तो वास्तव में इस अवस्था को ही डेंटल एब्सेस बोला जाता है। यदि मैं इसको और क्लियरिफाई करूं, मतलब आपको यदि प्रॉपर इसके डेफिनेशन के बारे में बात करूं, तो डेंटल एब्सेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पस, मतलब पस मवाद या पीप का इकट्ठा होना ही डेंटल एब्सेस कहलाता है। अब चलिए बात करते हैं इसका क्या कारण, डेंटल एब्सेस क्यों होता है। तो देखिए, डेंटल एब्सेस एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी जब हमारे मसूड़ों में, हमारे दांतों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो पस फॉर्मेशन होने लगता है, यानी मवाद बनने लगती है और यही मवाद फिर धीरे धीरे निकलने लगती है, यही है डेंटल एब्सेस का कारण। अब इसके अलावा सिस्टेमिक फैक्टर भी जिम्मेदार होते हैं, मतलब यदि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर है, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्ति को डेंटल एब्सेस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अभी तो मैंने आपको डेंटल एब्सेस क्या होता है ये बताया है, डेंटल एब्सेस किस कारण से होता है ये बता दिया। अब चलिए बात करते हैं डेंटल एब्सेस के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ डेंटल एब्सेस। तो डेंटल एब्सेस लोकेशन के आधार पर, मतलब ये कह सकते हैं कि डेंटल एब्सेस का जो प्रकार है इसके पाए जाने के स्थान पर डिपेंड करता है, यानी इसका प्रकार इसके लोकेशन के आधार पर होता है। बेसिकली चार प्रकार के डेंटल एब्सेस देखे जाते हैं, उनमें सबसे पहला है पेरी एपाइकल डेंटल एब्सेस। यह दांतों में जड़ के पास होता है, मतलब जब आपके दांतों में जड़ के पास से पस निकलता है तो आप कह सकते हैं कि आप पेरी एपाइकल डेंटल एब्सेस से पीड़ित हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि होता क्यों है। देखिए, जब हमारे दांतों में कीड़े लगते हैं और हम उसको इग्नोर करते जाते हैं, मतलब उसको हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो यही इन्फेक्शन धीरे धीरे जड़ों तक पहुंच जाता है, और जैसे ही जड़ तक इन्फेक्शन पहुंचता है तो वहां पे पस फॉर्मेशन होने लगता है, यानी पस का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ सूजन आती है, फिर जड़ के पास से चूँकि मसूड़े कमज़ोर होते हैं तो वहाँ से वो फुंसी के माध्यम से, फोड़े के माध्यम से बाहर निकलता है और धीरे धीरे वहाँ से पस बाहर डिस्चार्ज होने लग जाता है। इस अवस्था को ही पेरी एपाइकल एब्सेस कहा जाता है। डेंटल एब्सेस का दूसरा प्रकार है जिंजाइवल एब्सेस। इसमें मसूड़ों से पस आता है। होता क्या है कि जब हम अपने दांतों की साफ सफाई बराबर नहीं करते हैं तो मसूड़ों के अंदर खाना फंसता है, वो सड़न लेता है और धीरे धीरे वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण से पस फॉर्मेशन होने लग जाता है और यही पस मसूड़ों के माध्यम से बाहर निकलता है। ये एक शब्द में कहें तो इसका केवल एक कारण है और वो है हमारे ओरल जो ओरल कैविटी है उसकी पुअर ओरल हाइजीन, मतलब हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे बराबर तो इस प्रकार की समस्या हो सकती है। अब चलिए बात करते हैं तीसरे प्रकार के डेंटल एब्सेस के बारे में और उसका नाम है पीरियोडोंटल एब्सेस। देखिए, जब जिंजाइवल एब्सेस का सही इलाज नहीं किया जाता है तो जिंजाइवल एब्सेस ही पीरियोडोंटल एब्सेस में परिवर्तित हो जाता है। होता यह है कि जिंजाइवल एब्सेस में जब पस बनता है, यानी जो इन्फेक्शन होता है वो धीरे धीरे जिंजाइवा के और अंदर चला जाता है, यानी डीपेस्ट पार्ट में चला जाता है, वहाँ पे कैलकुलस बनने लग जाते हैं, जो पत्थर सदृश संरचना होती है दांतों में चिपकी रहती है, और इन्हीं सब कारणों से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तब दो दांतों के बीच में, ध्यान रखिएगा, दो दांतों के बीच से पस निकलना स्टार्ट हो जाती है और इसी अवस्था को पीरियोडोंटल एब्सेस बोलते हैं। और अब चलिए बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार के बारे में और वो है पेरी कोरोनल एब्सेस। इसमें आपने अक्सर देखा होगा
कि लास्ट वाला दांत जो होता है जिसे हम अक्कल की दाढ़ कहते हैं या थर्ड मोलर, ये जब इरेक्ट होता है तब उस समय ये समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यह एक आम समस्या होती है। इसमें होता क्या है कि जब डेंटल जो जलाष्ट का दांत होता है वो इरेक्ट हो रहा होता है तो वहाँ पे उस दांत के ऊपर मसूड़े रहते हैं या मांस रहती है और वहाँ पे गैप बनती है, उस गैप में खाना फंसता है, सड़न होती है और इन्फेक्शन हो जाता है, इसी कारण से वहाँ से पस बनने लग जाती है। इस केस में काफ़ी पेशेंट को दर्द होता है और दर्द तो कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पेशेंट को सोना मुश्किल हो जाता है, पेशेंट का मुंह खुलना भी कम हो जाता है। इस अवस्था को हम पेरिकोरोनल डेंटल एब्सेस कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि इस प्रकार की समस्या आपके साथ है तो उसको आप इग्नोर ना करें, उसको अन्यथा ना लें, ये एक सीरियस समस्या होती है और यदि आपने इसका सही समय पर सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बने रहिए वीडियो में, आपको आगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊंगा। अब चलिए बात करते हैं डेंटल एब्सेस के लक्षणों के बारे में कि हम कैसे पहचानेंगे कि डेंटल एब्सेस हो रहा है। तो इसके बेसिकली तीन प्रमुख लक्षण प्रकट आते हैं और इनके साथ जुड़े हुए अन्य बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे पेशेंट को सूजन होता है, पेशेंट को दर्द होता है और पस बनता है। इसके साथ साथ पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि मसूड़ों के ऊपर या जड़ के पास फुंसी जैसी बनती है, वहाँ पे पस बनता है और वो अपने आप फूटती है, बनती है, फूटती है, बनती है। तो इस प्रकार की समस्या यदि है तो आप समझ सकते हैं कि आपको डेंटल एब्सेस है। इसके अलावा पेशेंट को दर्द होता है और दर्द पेशेंट जब सोने जाता है तो बढ़ जाता है और कभी कभी तो इतना तीव्र दर्द होता है कि पेशेंट सो भी नहीं पाता। इसके साथ साथ मसूड़ों में रेडनेस आ जाती है, लाल कलर के मसूड़े हो जाते हैं। इसके अलावा चूंकि इसमें पस बनती है और पस के कारण पेशेंट के मुंह से बदबू आती है, उसको हैलिडोसिस की समस्या हो जाती है। पेशेंट जब कुछ खाता है तो पस बनने के कारण वो ओरल कैविटी में प्रेशर पड़ता है तो पस निकलता है, जिस कारण से पेशेंट का जो मुंह का स्वाद है वो बिल्कुल बदल जाता है, नहीं बहुत गंदा उसको फील होता है। अभी तक मैंने आपको डेंटल एब्सेस क्या होता है, क्यों होता है, इसके प्रकार कितने हैं और इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में बताया है। चलिए अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए, डेंटल एब्सेस का जो मैनेजमेंट होता है यानी इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ये एब्सेस कहाँ पर है और उसकी कितनी सीवियरिटी है इसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ यदि पेरिएपाइकल एब्सेस के बारे में, तो इसके लिए डॉक्टर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए सलाह दे सकते हैं। यदि मान लीजिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट के पहले डॉक्टर देखते हैं कि सूजन बहुत ज़्यादा है, पस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इंसीजन देकर के यानी कट लगा करके पहले पस को निकाला जाता है, गंदगी निकाली जाती है, उसके बाद फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। हाँ, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की एक अवस्था होती है कि दांत मजबूत हो, यानी हिलना डुलना नहीं चाहिए, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसका किया जाता है। यदि मैं बात करूँ जिंजाइवल एब्सेस के मैनेजमेंट के बारे में, तो इसके लिए स्केलिंग की जाती है यानी दांतों की सफाई की जाती है और वो डीप स्केलिंग होती है, उसके बाद रूट प्लानिंग की जाती है, इनसे जिंजाइवल एब्सेस ठीक हो जाता है। यदि मैं बात करूँ पेरिओडोंटल एब्सेस के मैनेजमेंट के बारे में, तो उसमें डीप स्केलिंग की जाती है, रूट प्लानिंग की जाती है और यदि स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है तो कभी कभी फ्लैप सर्जरी की भी सलाह दी जाती है। फ्लैप सर्जरी में डॉक्टर्स मसूड़ों को पूरा ओपन करते हैं और जड़ तक अंदर तक सफाई करके फिर से उसको सूचर करके पेरिडोंटल फ्लैप सर्जरी कंप्लीट की जाती है, इससे पूरी तरह से पेशेंट को आराम लग जाता है। अब यदि मैं बात करूँ पेरिकोरोनल डेंटल एब्सेस के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये मसूड़ों के ऊपर आ जाने के कारण जो हमारा लास्ट दांत है वो आड़ा तिरछा होता है तो वहाँ पे मसूड़े ऊपर आते हैं, वहाँ पे गैप बनती है, पॉकेट बनता है, जिस कारण समस्या होती है। तो इसके लिए तो कई बार ऐसा होता है कि सिंपल स्केलिंग से भी आपको आराम लग सकता है, कई बार ऐसा होता है कि जो मसूड़े ऊपर आते हैं, जो मांस का टुकड़ा रहता है, उसको सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा हटा दिया जाता है, इससे भी आपको आराम लग जाता है। या मान लीजिए ये समस्या आपको बार बार हो रही है, इतना करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही है और दांत आपका आड़ा तिरछा है तो आगे चल के भी इस प्रकार की समस्या होगी ही, तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि इसको स्क्रैट दांत को निकलवा दिया जाए, तो डॉक्टर आपको दांत निकालने की सलाह भी देते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं डेंटल एब्सेस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। यदि आपने इतना होने के बाद भी लापरवाही किया, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशंस होता है वो होता है डेंटल सिस्ट का फॉर्मेशन। डेंटल सिस्ट का फॉर्मेशन इसका मतलब ये होता है कि गठान बन जाती है और यदि गठान बन जाती है तो फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर के अलावा यानी ऑपरेशन के द्वारा ही उसको ठीक किया जा सकता है, दवाइयों से मेडिसिन से वो ठीक नहीं कर सकते। दूसरा कॉम्प्लिकेशन कभी कभी होता है पेशेंट को लुडविग एंजाइना का। लुडविग एंजाइना एक बहुत ही मेडिकल कॉम्प्रोमाइज कंडीशन होती है यानी मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें पेशेंट को सूजन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और सूजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ
होने लगती है। इसके अलावा ऑस्टियोमलाइटिस, साइनसाइटिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस भी पेशेंट को देखने में आती हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है तो प्लीज़ इसको तुरंत आप डेंटल सर्जन से मिलें और इसका ट्रीटमेंट करवाइए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और वो बात ये है कि क्या डेंटल एब्सेस एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी है कि नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेंटल एब्सेस बिल्कुल 100% मेडिकल इमरजेंसी होती है। यदि आपने इसको इग्नोर किया, यदि आपने इसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो ये इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और आपको बहुत प्रकार की समस्याएं होंगी, बहुत प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि ऐसी कोई समस्या है तो प्लीज़ उसको तुरंत अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। लोगों के मन में एक और दिक्कत रहती है कि सोचते हैं कि सूजन है, इन्फेक्शन है, पस निकल रहा है तो इसको मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा ठीक होता है। मतलब डेंटल में जो ट्रीटमेंट होते हैं मैक्सिमम उसमें कुछ न कुछ सर्जिकल पोर्शन शामिल होता है, इसमें भी सर्जिकल प्रोसीजर शामिल है। क्योंकि जब तक हम काज को नहीं हटाएंगे, जिसके कारण वो समस्या हो रही है उसको नहीं हटाएंगे, तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रकार की समस्या का इलाज आपका, जहां तक मैं समझता हूं, एक डेंटल सर्जन अच्छे तरीके से कर सकता है। इसलिए लापरवाही ना करें, डेंटल सर्जन के पास जाएं। और अब मैं वीडियो के अंतिम पड़ाव में आ चुका हूं, और आपको पता ही होगा कि वीडियो के अंतिम भाग में मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर का, अपने व्यूअर का, आप लोगों का कमेंट देखता रहता हूं और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको एक या दो क्वेश्चन में शामिल करता हूं। आज का क्वेश्चन ट्रू लाइन करके एक कोई हमारे व्यूअर हैं, दर्शक हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है। उनका सवाल ये है कि वो किसी डॉक्टर के पास रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और डॉक्टर ने उनका 10 बार एक्सरे किया है, तब जा करके 10वीं बार उनका एक्सरे कन्फर्म हुआ है, मतलब सही शॉट आया है, तो क्या उनको डेंटल एक्सरे के कारण उनको कैंसर का खतरा है, वो थोड़ा टेंशन में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये बात बिल्कुल सही है कि एक्सरे एक्सपोजर के कारण कैंसर का खतरा बना रहता है, सही बात है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि केवल 10 बार से आपको ऐसे कैंसर का खतरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेंटल एक्सपोजर जो होता है, मतलब डेंटल के ट्रीटमेंट में जो हम एक्सरे करते हैं उसका जो एक्सपोजर होता है वो बहुत कम होता है, बहुत छोटे एरिया के लिए होता है, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, आपने एक और बताई है कि कंप्यूटराइज सिस्टम से आपका किया गया है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका RVG किया गया है और इसमें डेंटल एक्सपोजर का खतरा और कम होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ यदि वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो मुझे इनकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके घंटे के बटन दबा दें, क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजफुल और यूजफुल वाली वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। बहुत जल्दी मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।